नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास रहने वाली है, विशेषकर उन कॉरपोरेशन के लिए जिन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है 1 अप्रैल 2022 से। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही आ रहा है भी हमें सिंपल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें या फिर टेली प्राइम एडिट लॉग 2.1 को डाउनलोड करें, यानी कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा, कौन से सॉफ्टवेयर को हमें परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आपकी कंपनी का लेवल किस टाइप का है और आपकी कंपनी के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको टेली सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एडिट लॉग लोगे या फिर नॉर्मल टेली प्राइम आपको लेना पड़ेगा। सब कुछ प्रैक्टिकली इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे कि हमें 1 अप्रैल 2022 से हमारी कंपनी का जो बुक अकाउंट्स है, यानी कि जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है, हमें टेली सॉफ्टवेयर पर मेंटेन करना है। लेकिन जब भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें ये दो ऑप्शन डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, सभी को पता है भी MCA का जो नया रूल है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है उन कंपनी के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनी के एक्ट में हुआ है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी है चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उन्हीं के लिए ये विशेषकर इनवॉइस पर्पस से या ऑडिट ट्रेल से ये एडिट लॉग का नया रिलीज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने लॉन्च किया है। यानी कि ऑडिट ट्रेल जो कि कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो उन कंपनियों को तो ये एडिट लॉग है जो यूज करना ही करना होगा। अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है, यानी कि एज ए नॉर्मल दुकान है, हम ये कह सकते हैं इसको, तो यानी कि फर्स्ट टाइम ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी है, वो तो ऑलरेडी पहले से ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही मेंटेन करते आ रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल शॉप है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर या बिजनेस की स्टार्ट करी है, या पहली बार वो मैनुअल अकाउंट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोनों ऑप्शन ही ओपन है। यानी कि वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं या वो टेली प्राइम एडिट लॉग को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों में अब डिफरेंस क्या रहेगा जब हम इनको डाउनलोड कर लेंगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे? तो दोस्तों, हमारे पास दोनों सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल हैं, एक सिंपल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, और ये एक है एडिट लॉग का। तो इसका एडिट लॉग का आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टेली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपनी क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेजर क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, उसके बाद जो स्टॉक आइटम है, यूनिट्स है, ग्रुप है, सब कुछ बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग के वर्जन में। लेकिन जो डिफरेंस है कंपनी लोगों के लिए जो बनाया गया है, वो एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस एडिट लॉग का। ये किस में मिलेगा? एडिट लॉग के वर्जन में। अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो हम कंपनी पे जाके देखेंगे तो आपको इस कंपनी के अंदर जब आप पहली बार इसको डाउनलोड करोगे तो आपको ये एडिट लॉग का टेली प्राइम के जो नॉर्मल वर्जन है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो मेरे पास जो कंपनी ओपन है वो टेली एडिट लॉग से मैंने इसके अंदर वापस लेके हूँ टेली प्राइम में, इसलिए एडिट लॉग का फीचर्स इनेबल हो रखा है। अगर हम कोई नई कंपनी को ओपन करेंगे, जैसे कि हम इस कंपनी को क्लोज कर देते हैं, इसको हम बंद, और उसके बाद में नई कंपनी कोई भी हम खोलेंगे, इसको हम माइग्रेट कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे ये एडिट लॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब डिफरेंस आता है एडिट लॉग। अब एडिट लॉग, अगर आपकी कंपनी एडिट लॉग के लिए, तो एडिट लॉग आपको ऑप्शन है, इसको इनेबल करना पड़ेगा, और इससे पहले हमें जो यूज़र और पासवर्ड है हमारे, वो हमें क्रिएट करने होते हैं एडिट लॉग सॉफ्टवेयर की कंडीशन में। और ये आपको यूज़र एंड पासवर्ड आपको तभी दिखाई देगा जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी को डाटा है आपको, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर देना कंपलसरी है, तभी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो यहाँ पर
क्रिएट कर सकते हो। बस इसका डिफरेंस आपको यही मिलेगा कि जैसे ही हम कोई इस कंपनी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हम करेंगे और ट्रांजैक्शन पास करने के बाद में उसके अंदर किसी भी टाइप की अगर कोई हम एडिटिंग कर देते हैं, एडिटिंग का मतलब कोई हमने डेट चेंज कर दी, कोई वाउचर का नंबर हमने चेंज कर दिया, कोई अकाउंट्स हमने डिलीट कर दिया, कोई वाउचर की एंट्री डिलीट कर दी, तो वो ट्रांजैक्शन है वो सारा का डाटा आपका रिकॉर्ड होता रहेगा कि आपका पहले रिकॉर्ड क्या था और उसके बाद में आपने एडिट करने के बाद उस रिकॉर्ड में क्या क्या चेंजिंग कर दी। तो ये आपको इस ऑडिट मतलब ऑडिट ट्रेल का जो ऑप्शन है एडिट लॉग का उसमें देखने को मिलेगा। तो ये आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो ये आपके लिए कोई मैटर नहीं रखता क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे तो जो वाउचर एंट्री करने का तरीका है, जो शॉर्टकट कमांड्स है, वो बिल्कुल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर एडिट लॉग की बिल्कुल ही सेम है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं भी हमें सब्सक्रिप्शन क्या दोनों के लिए अलग अलग देना पड़ेगा, क्या दोनों का अलग अलग चार्ज है? कोई चार्ज अलग नहीं है। आप मान लीजिए अभी पास आपके पास टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहा है तो भी आप इसको एडिट लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पहले से चल रहा है और आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले अगर आपकी कंपनी का जो टीएसएस यानी कि वो एक्सपायर है तो आप एडिट लॉग का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर सर्विस का जो लाइसेंस है वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए जब आपको एडिट लॉग में कन्वर्ट करोगे उस वक्त। तो ये आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। लेकिन डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको एडिट लॉग का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। बस इस एडिट लॉग के अंदर होगा भी जो भी आपने कंपनी क्रिएट करी है उस कंपनी क्रिएट के दौरान आपको अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं। जैसा कि हम यूज़र रोल पर जाएंगे तो जो यूज़र रोल के अंदर भी डाटा एंट्री उसका यूज़र नेम क्या रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया हमने ए हम नाम दे देते हैं और पासवर्ड दे दिया हमने 123 का और उसके बाद में ओनर का नाम दे दिया बी, पासवर्ड दे दिया 123। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनका अलग अलग यूज़र आईडी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद में कंपनी पे जाएंगे, एडिट लॉग पर जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन है सभी एडिट लॉग का वो ऑन करना पड़ेगा। जैसे हम सिस्टम को टेली सॉफ्टवेयर को बंद करके ऑन करेंगे तो आपके सामने जैसे ही हम कोई वाउचर एंट्री करेंगे डिलीट करेंगे तो वो आपको यूज़र वाइज दिखाता रहेगा भी आपकी एंट्री कौन से यूज़र ने डिलीट किया है, ओनर ने डिलीट किया है या फिर डाटा जो ऑपरेटर है उसने एंट्री को मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए वीडियो मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हो भी ऑडिट ट्रेल का जो ऑप्शन है वो एडिट लॉग में किस तरीके से प्रॉपर काम करता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भी हमें कौन से सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो आप एडिट लॉग भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंट्री करने का सब कुछ तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी अगर आप टेली सॉफ्टवेयर में प्रॉपर सही तरीके से कंपनी किस तरीके से क्रिएट करनी है, लेजर किस तरीके से क्रिएट करनी है, तो सब कुछ अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए और आप यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो हम इस यूट्यूब में आपको सर्च करना है स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR के नाम से। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारा चैनल इस लोगो के साथ आ जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल हमारी प्लेलिस्ट है जो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के जितने भी हमारे वाउचर एंट्री करने के तरीके, लेजर क्रिएट करने के तरीके, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के तरीके, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ पर मेंटेन हमने किया हुआ सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो से आपका कन्फ्यूजन जरूर दूर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।